नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज के इस वीडियो में राजस्थानी भजनों के लिए हारमोनियम सीखने से संबंधित हम लोग कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भजन है और उस भजन की शुरुआत, जैसे मैंने तीसरी काली को सा माना है ना, और उस भजन की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? यहाँ से, ऊपर के सा से हो रही है, यहाँ से है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिनकी शुरुआत ऊपर के सा से हो रही डायरेक्ट। जैसे कि मैं एक भजन गा के बताता हूँ आपको, या ऐसे कोई भजन जो मतलब जिनका जो सेकंड लाइन है वो ऊपर के सा तक जाती है ना, तो उन भजनों को आप लोग क्या करें कि थोड़ा सा नीचे के सुर में गाएं, है ना। जैसे मान लो ऐसे भजन को अगर मैं चौथी काली से गाऊंगा यहाँ से, और मेरी आवाज लास्ट में यहाँ तक जाएगी है ना, यहाँ तो यहाँ तक कंठ की आवाज पहुँच नहीं पाएगी है ना। तो इसीलिए मान लो मैं रात दिन यहाँ से भजन गाता हूँ, मान लो हर बार चौथी काली से, लेकिन अगर कोई भजन है उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है तो मैं उसको एक सुर नीचे ले लूँगा ना, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा अपने लिए गाना। जैसे देखना आप लोग, मतिवाड़ा भर भर प्याला पावे माने, ए सारे सते गुरु भावे माने, ए सारे साहिब भावे। दोस्तों ये राग मैंने गाई, अब इसका ये देखो, यहां तक आवाज आ रही ऊपर के साथ तक है ना। अब मान लो इसी भजन को मैं चौथी काली से गाऊंगा तो देखना, हाँ माने ए सारे सते गुरु बावे माने, ए सारे साहिब बावे माने, ए सारे सते गुरु बावे। अब अगली लाइन ऊपर के साथ जाएगी यहां तक। अब देखो कंठ से आवाज नहीं निकल रही क्योंकि सुर बहुत ऊपर जा रहा है। आटो नहीं, दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भजन है और ऊपर के साथ तक उसकी आवाज़ जा रही है तो उस भजन को हम लोगों को थोड़ा सा नीचे के सुर में ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने जो पहले राग गाई थी, ऐसा माने ऐसा सतगुरु भाव, तो मैं उसको 2:45 से तो गा पा रहा था, लेकिन मैं उस भजन को अगर तीसरी काली से या चौथी से या 3:30 से गाऊंगा तो मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि आवाज़ है वो यहाँ तक तो जा सकती है लेकिन यहाँ तक नहीं जाएगी। जैसे देखो तीसरी काली से मैं कोशिश करता हूँ, आठू पारी रे मतिवाड़ा भरी भरी प्याला पावे माने, ए सारे सते गुरु भावे माने, ऐसा साहिब भावे। तो यहाँ तीसरी से जहाँ तो रही आवाज ऊपर तक, लेकिन थोड़ा सा कंठ पे प्रेशर पड़ रहा है ना। अगर मैं इसको 2:45 से गाऊंगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप लोगों के बात ये समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो भी भजन है अगर मान लो यहाँ से हो रही, इसकी शुरुआत तीसरी काली को सा माना और शुरुआत ऊपर के सा से हो रही है, तो उस भजन को आप थोड़ा सा नीचे के सुर में ले लीजिए। अब मान लो कोई भजन है और वो सारे मापा धा तक जाता है, तो उस भजन को आप ऊपर के सुर में ले सकते हो। जैसे देखो ये, अब यहां तक तो मेरी आवाज चली जाए, दोने नारे बीच संता दोने नारे बीच खजाना रुटिया जी
संता दो नैना रे बीच खजाना लुटिया जी संता दो नैना रे बीच। तो ये धातक तो आवाज जैसे मैंने साढ़े चार को सा माना और धातक आवाज बिल्कुल जा रही है ना यहाँ तक, लेकिन ऊपर के सा तक फिर ये नहीं जाएगी आवाज यहाँ तक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।